कलकत्ता ये सिर्फ शहर नहीं, एक गुलदस्ता है जिसमें है विरासत, इतिहास, थोड़ी नजाकत और बहुत सारी मिठास। बंगाल कमाल की जगह है। मिर्जा गालिब जब 150 साल पहले यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ के बारे में कहा था, ये बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी। और कलकत्ते जैसा शहर तो रूहे जमीन पर नहीं। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं, एक तीर मेरे सीने पे मार के, हाय हाय। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और थंबनेल को देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं कहां पर हूँ। मैं वापस यहाँ गया हूँ वेस्ट बंगाल में, और इस बार वेस्ट बंगाल में एक्सप्लोर करने आया हूँ मैं वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता को। तो जहाँ पर मैं रुका हूँ भाई, ये है पार्क स्ट्रीट। कोलकाता का बहुत ही नोन स्पॉट है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले तो बता दूँ, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ही पुरानी है। लिटरली ब्रिटिश एरा के समय की बनाई हुई बिल्डिंग है, जो अभी तक एज इट इज़ वैसी की वैसी, और जो अपने आप में एक शाम है यहाँ का। बहुत ही प्यारी जगह। इससे आप थोड़ा सा रोड के पीछे की तरफ जाते हैं तो ट्राम भी चलती हुई दिखती है, मतलब मैंने अभी देखी, मैंने कुछ शॉर्ट्स भी कैप्चर करें। बाकी यहाँ की येलो टैक्सी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं रोड पे जब चलती हैं, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा अट्रैक्शन है अगर आप कोलकाता आते हैं तो। बाकी मैंने अपना होटल पार्क स्ट्रीट में ही लिया है। इस लेन के जस्ट पीछे हमारा होटल है जिसका नाम है एक्मे, और 3000 उसका टैरिफ है 2 दिन का 2 रात का। बाय द वे मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ अप्रैल के मंथ में, और यहाँ पर इस समय 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो समझ सकते हो गर्मी कितनी ज़्यादा है। एक्चुअली मैं यहाँ पर जिस काम से आया हूँ वो तो मैं ब्लॉग के एंड में आपको बताऊँगा क्या एग्जैक्टली कर रहा था यहाँ पर आने का, और मुझे कोलकाता होकर ही आगे यहाँ से जाना था, तो मैंने कहा यार अगर मैं कोलकाता आ ही गया हूँ तो एक ब्लॉग तो बनाना बनता है। तो आज के दिन यहाँ पर मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स को, यहाँ के फूड को, यहाँ के कल्चर को, जितना भी एक दिन में मैं कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग कोलकाता आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ें इस ब्लॉग में ज़रूर पता चलेंगी। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल गाइस, एंड बाकी बातें करेंगे हम हर बार की तरह रास्ते में। तो अभी मैंने एक कैब हायर कर लिया पूरे दिन के लिए, और मुझे को लगता है कि ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे जैसे लोग आते हैं तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है शहर के बारे में जैसे, तो बहुत ही अच्छा रहता है कि आप कोई कैब हायर कर लो और उस कैब में पूरा दिन आप बैठकर जो भी टॉप प्लेसेस हैं घूमने के लिए, मार्केट हो गया, फिर कोई टेम्पल अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और वो कुछ 3000 या 3500 रुपये लेते हैं। कितना लेते हो आप? 3500 रुपये लेते हैं। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, इनके साथ ही हम घूम रहे हैं, इनका नाम है जगन्नाथ जी, इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या बोलते हो जगन्नाथ भाई जी? ओके है ना। हाँ, कोई आएगा तो घुमा दोगे आराम से? बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर येलो टैक्सीज चलती हैं उसकी भी एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। हर येलो टैक्सी के पीछे लिखा रहता है यात्री साथी, तो यात्री साथी जो है वो एक ऐप है। अगर आपको येलो टैक्सी में आकर घूमना है यहाँ पर थोड़ा ऑथेंटिक तरीके से, तो आप इस एप्लीकेशन में जाकर टैक्सी बुक कर सकते हैं, इस ऐप से भी बुक कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है इसका मीटर रहता है, मीटर से चलती है। हाँ। अच्छा, और इसमें एसी नहीं होता है ना? नहीं, एसी नहीं होता है। अब इस समय 40 डिग्री है टेम्परेचर, तो इस समय अगर ऐसी टैक्सी में घूमेंगे तो बिल्कुल ऑमलेट बन जाएगा इंसान। नेशनल लाइब्रेरी, लेफ्ट हैंड साइड पे नेशनल लाइब्रेरी है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है कोलकाता में। हेलो गाइस, जैसा कि आपको बताया कि मैं काफ़ी समय से बीब्लेंड के कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जब बात आती है हेयर केयर की तो सबसे पहले नाम आता है हेयर स्पा का। और हेयर स्पा जब आप सैलून में कराने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीब्लेंड की एक हेयर मास्क रेंज जिसमें आते हैं 3 ये ऑसम से प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है बीब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर हेयर मास्क, और ये है इंटेंस शाइन हेयर मास्क। ये दोनों ही मास्क आपके बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आज का ये तीसरा बहुत ही ऑसम सा प्रोडक्ट, ये है बीब्रेंड का इंटेंस शाइन हीट हेयर स्पा मास्क। बीब्रेंड इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड, तो ये आपके बालों को देता है सैलून लाइक हेयर। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है राइस एंड सिल्क प्रोटीन विद शाइनी टॉनिक। राइस आपके बालों को जड़ों से स्मूथ, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और सिल्क प्रोटीन आपके बालों में इलास्टिसिटी ऐड करता है, नेचुरल मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है, और इसमें जो शाइनी टॉनिक है वो आपके बालों को ग्लॉसी लुक देता है।
और ये पूरी पैकेजिंग दो पार्ट में आती है। ऊपर वाले पार्ट में आपको मिलता है हेयर मास्क, जिसे आपको अपने बालों पे अप्लाई करना होता है, और नीचे आती है सेल्फ हीटिंग कैप, जिसे आपको अपने सिर पे पहनना होता है। बाकी इसे स्टेप बाय स्टेप यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने बालों को बी ब्रांड इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है ये हेयर मास्क अपने बालों पे। इसके बाद आपको इस पैकेजिंग के नीचे वाले पार्ट से निकालनी है सेल्फ हीटिंग कैप, जिसे आपको अपने सिर पे पहन लेना है। जैसे मैंने इस कैप को अपने हाथ में लिया, एक हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, बहुत ही वार्म वाली फीलिंग आ रही है। 5 मिनट तक आपको इसे अपने बालों पे अप्लाई करके रखना है हीटिंग कैप के ऊपर, हाथों से धीरे धीरे मसाज करते रहनी है, और बहुत ही वार्म वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल वैसे ही जब आप सैलून में जाकर हेयर स्पा कराते हैं। उसके बाद आपको शावर लेना है, बालों को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और उसके कुछ ही मिनटों के बाद इंस्टेंट इंप्रूवमेंट आपको फील होगा अपने बालों पे। आपके बाल बहुत ही ज्यादा शाइनी, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। और ये सारे प्रोडक्ट SLS और पैराबेन फ्री है, मतलब कि नो केमिकल, तो इसके यूज से आपके बालों को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा। बाकी बी ब्रांड की एक बहुत अच्छी बात है जो मैं हमेशा वीडियो में शेयर करता हूँ कि जब भी आप इनसे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक कर दिया जाता है एक ऐसी वुमन के साथ, जिसे वो बी ब्रांड शाइन एकेडमी के थ्रू संभव फाउंडेशन के साथ मिलकर एम्पावर्ड बनाते हैं। एंड देयर इज अ मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमन अक्रॉस द नेशन, जो कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। इसके अलावा अगर आपको भी कुछ फायदा चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे जो कूपन कोड आ रहा है Prashant2024, इसका यूज करते हैं अगर आप बी ब्रांड की वेबसाइट पर जाकर, तो आपको मिलता है फ्लैट 20% डिस्काउंट इन सारे प्रोडक्ट पर। इसके अलावा सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजन, नाइका पर भी अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर चेक कर लेना। बाकी मैं यही बोलूंगा कि आप इन प्रोडक्ट को यूज करो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आपको फायदा जरूर होगा। बाकी लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो अभी हम लोग आ गए हैं गार्डन कैफे में, और ये पार्क स्ट्रीट से कुछ हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही साफ सुथरा एक तो रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर मिलता है साउथ इंडियन फूड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मंगा लिया इडली सांभर। शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्ट्रीट सड़क के बिल्कुल बगल में ही खड़े हुए हैं। हालांकि ये बिल्कुल सड़क से जुड़ा हुआ होटल है, लेकिन अंदर जाएंगे तो बहुत साफ सुथरा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्रेश, और जो गरी की चटनी है, कोकोनट की जो चटनी है ना, वो बहुत टेस्टी है। और अभी मंगा लिया हमने मेंदू वड़ा और साथ में कॉफी। मेंदू वड़ा भी एकदम लाइट है और ऑयली बहुत कम है, ये अच्छी बात है। बाकी इनकी गरी की चटनी और सांभर तो भाई साहब मजेदार है, बहुत मजेदार है। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और डोसा, इडली, सांभर वगैरह सब कुछ खा लिया बहुत अच्छे से। तो ये बेसिकली साउथ इंडियन खाना ही मिलता है यहाँ पे, बहुत अच्छा फूड है आपका भाई, बहुत अच्छा लगा। इस जगह को बोलते हैं अलीपुर, पार्क स्ट्रीट से शायद 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं अलीपुर में, यहाँ पर एक गार्डन कैफे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा है। तो अगर कोलकाता में आ रहे हो तो एक बार यहाँ के साउथ इंडियन फूड को टेस्ट करने जरूर आओ, मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप साउथ इंडियन फूड पसंद करते हो तो। बाकी डोसा वगैरह मैंने फिनिश कर लिया, बैठकर कॉफ़ी पी रहा हूँ, अपनी कॉफ़ी फिनिश करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम लोग आ गए हैं काली घाट के पास, और काली घाट में काली माता का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसे चलकर देखते हैं। गाड़ी हमने पीछे पार्क कर दी है। यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो जैसे आप गाड़ी पार्क करोगे ना, बहुत सारे पंडित लोग आ जाएंगे आपसे डील करने के लिए, भैया 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। तो भाई ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हो दर्शन। तो किसी भी पंडित जी के चक्कर में तो नहीं पड़ना मुझे, चलते हैं दर्शन करके आते हैं अपने तरीके से। और जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा पंडितों के चक्कर मत पड़ो, वो चलकर आपको दर्शन करा देंगे। कालीघाट के इस मंदिर में माँ काली के 4 रूप में दर्शन होते हैं, दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। और मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि कोलकाता के कालीघाट में सती माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसीलिए माँ काली का ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में भी आता है। तो मंदिर के दर्शन करके मैं आ गया बाहर, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारे ड्राइवर भाई साहब ने कुछ तो जुगाड़ तिगाड़ लगा के दर्शन करा दिए, अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। बाकी अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आप कैमरा अंदर ले तो जा सकते हैं लेकिन फोटोज क्लिक नहीं कर सकते, अगर फोटो क्लिक करते हैं तो जब्त हो जाता है कैमरा, ऐसा वहाँ के एक भाई साहब ने बताया। बट मंदिर है बहुत ही प्रीशियस,
इतने सारे यहाँ पर लोग आते हैं, इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो लोकल लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आए हुए। अंदर अगर बात करूँ तो जो मेन मुख्य मंदिर है उसका गुंबद बाहर दिख रहा है, तो वहाँ पर काली माता का मंदिर है और उसके बगल में एक और मंदिर है जहाँ पर बलि दी जाती है। वहाँ पर बहुत सारे बकरों को लेकर जाया जा रहा था बलि के लिए, तो वो भी प्रोसेस वहाँ पर देखने के लिए मिला। बाकी अगर आप यहाँ पर आते हैं थोड़ा टाइम लेकर तो दर्शन ज़रूर कीजिए काली माता के, काली घाट में आके, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इसकी। और अभी धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है यहाँ का, तो नारियल पानी पी रहा हूँ मैं, और नारियल पानी पीकर फिर हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं आ गया हूँ यहाँ पर न्यू बाज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए। न्यू बाज़ार कलकत्ता का एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग की जाती है, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है। एक तरफ आपको ब्रांड्स की दुकानें मिलेंगी, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और इस तरफ स्ट्रीट शॉपिंग की लेन बनी हुई है पूरी, बहुत सारे कपड़े लत्ते घड़ियाँ गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ मिलेगा इस तरफ। और यहाँ पर आने का एक रीज़न ये भी था कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो खुली जगह पर घूमना भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा जैसे धूप थोड़ी कम हो जाएगी फिर चलकर बाहर की जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये पूरा एक शेड बना हुआ है, एक लेन बनी हुई फुटपाथ है और ऊपर से कवर्ड है, तो पूरा मार्केट इसके नीचे बना हुआ है। तो अगर आप शॉपिंग के मूड से आते हो तो जगह काफ़ी अच्छी है, बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए। देखो यहाँ पर ओबेरॉय होटल भी है और ये काफ़ी लंबा मार्केट है, काफ़ी दूर तक बना हुआ है। ये इसी लेन को फॉलो करते हुए जाएंगे, बहुत आगे तक ये मार्केट बना हुआ है। अभी फ़िलहाल कुछ शॉपिंग वगैरह का तो मूड है नहीं मेरा, मैंने कहा बस चलो ऐसे देख लेते हैं एक बार मार्केट। और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो यहीं पे ही खड़े हुए हैं पीछे, उनको बोल दिया पार्क करके रखो गाड़ी, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करके फिर वापस हम निकलते हैं आगे। तो अभी न्यू मार्केट से निकलकर हम वापस अपनी कैब में आ गए और यहाँ से हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल को देखने के लिए। और पता है रास्ते में आपको ईडन गार्डन देखने के लिए मिलेगा। ईडन गार्डन वो बहुत बड़ा स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है, सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है ये, और इंडिया में 2nd नंबर पर। तो उसे हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, अभी उतर के देखने का तो कोई मतलब नहीं है, बाहर से इसे क्रॉस करते हुए जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो कुछ विजुअल्स कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है आपको दिखाने के लिए, सामने बहुत बड़े बड़े शिप खड़े हुए हैं। ये कोलकाता का डॉकयार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे शिप आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, कार्गोज होते हैं, उसे शिप किया जाता है। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस ब्रिज पर मैं चल रहा हूँ, ये ब्रिज बीच से खुल जाता है। ये देखो ये बीच में आप देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा ना बीच में कट, यहाँ से पूरा ब्रिज खुल जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये मैं अभी ब्रिज के बीचों बीच चल रहा हूँ, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकवा ली मैंने, मैंने कहा ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अभी 1:30 हो रहे हैं दोपहर के और मैं आ गया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल को देखने के लिए। तो जैसे अपने मुंबई में होता है मरीन ड्राइव, अगर आप जाते हो तो वहाँ पर बग्घियाँ चलती हैं और समुद्र के किनारे किनारे उन बग्घियों पर बैठकर आप एंजॉय करते हो उस सीनिक ब्यूटी को, वैसे कुछ यहाँ पर भी है। ये भैया तुम लोग की बग्घियाँ हैं क्या ये? कितना रुपये लेते हो? 500 जी। कहाँ तक चक्कर लगाते हो? इसे लेके जाएंगे आपको रेस को रोके, तो 500 रुपये लगते हैं इस बग्घी में बैठने के लिए। आप आओ यहाँ पर, लाइन से बग्घियाँ खड़ी रहती हैं, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का पैच होता है इस बग्घी पर बैठकर, एक बग्घी की राइड होती है जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल को भी आप बाहर से देख सकते हो और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो बैठे बैठे। अच्छा है, अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन जो टाइम है मुझे लगता है या तो अर्ली मॉर्निंग और या तो फिर शाम के समय आओ, शाम के समय ज़्यादा अच्छा रहता है, अभी धूप बहुत ज़्यादा है। नहीं 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 आप ही हो। टिकट ले लिया मैंने, 50 रुपये की एंट्री फीस है जिसमें आप इस गार्डन को, प्रीमाइसेस को और अंदर जो गैलरी है उसे जाकर देख सकते हैं। चलो सो अभी मैं आ गया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के प्रीमाइसेस के अंदर। पीछे आप देख सकते हो इतनी बड़ी बिल्डिंग, पीछे इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बना है। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये 1906 से 1921 के बीच में बनकर तैयार हुआ था और ब्रिटिश शहरा में तैयार हुआ था। रानी विक्टोरिया का यहाँ पर स्कल्पचर भी लगा हुआ है और आप अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूज़ियम देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आपको ब्रिटिश
हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी इसके फैक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया ना उसे वाइट मकराना मार्बल बोलते हैं, और ये वही पत्थर हैं जिनका इस्तेमाल ताजमहल को बनवाने में किया गया था। ये जो पूरा एरिया है ये 64 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, पूरा गार्डन यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर आप कोलकाता आते हैं तो इस जगह ज़रूर आइए, पता ही होगा। खैर मैं क्या बता रहा हूँ, इस जगह के बारे में सबको पता है। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो उसे देखना तो बनता है। बाकी अंदर क्या है वो मैं विजिट करके आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलो तो अभी मैं डोम के बिल्कुल अंदर आ गया हूँ। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल का बाहर से डोम दिखता है बिल्कुल वो जगह है, ऊपर देख सकते हो आप। ये पूरा डोम जो बना हुआ है ब्रिटिश यूरोपियन आर्किटेक्चर का बना हुआ है, गॉथिक स्टाइल में ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। वॉल के किनारे किनारे पर विंडोज़ हैं और बहुत सारी जगह आप देख सकते हो पेंटिंग्स भी बनाई हुई हैं, बहुत ही पुरानी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर अंदर अगर आप आते हो तो कैमरा भी लेकर आ सकते हो, मैंने भी पूछा, बस आपको फ्लैश ऑन नहीं करना है, मतलब आप फोटो भी खींच सकते हो वीडियोग्राफी भी कर सकते हो लेकिन फ्लैश ऑन नहीं करना है। मे बी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं या जो पिक्चर्स हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए ऐसा किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने की सोच लॉर्ड कर्जन ने 1901 में उनकी मौत के बाद यूनाइटेड किंगडम की रानी विक्टोरिया के लिए एक मेमोरियल के तौर पर की थी। इस बिल्डिंग को बनाने में जितनी भी लागत लगी वो सारे पैसे भारत के अंदर से जुटाए गए थे, और उस समय के सबसे मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट विलियम एम्सन को इस इमारत को बनाने के लिए अपॉइंट किया गया। उस समय कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। जैसे आप अंदर आते हैं ना तो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, बहुत ही रेयर पिक्चर्स हैं, जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जब ये विक्टोरिया मेमोरियल बना था तब ये कैसा था, ये जगह कैसी थी, फिर यहाँ पर नींव रखी गई, धीरे धीरे कैसे बनकर तैयार हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स जो बाद में जॉर्ज पंचम के नाम से भी जाने गए, उन्होंने शहर के बीचों बीच इस इमारत की नींव रखी और लंबे समय तक काम चलने के बाद इस इमारत को ऑफिशियली 28 दिसंबर 1921 को खोला गया। अंदर आप आते हैं तो बहुत सारे आपको यहाँ पर वेपन्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी इमेजेस पिक्चर्स और बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पर देखने के लिए। इस मेमोरियल में बहुत सी पुरानी हैंडमेड पेंटिंग्स, हथियार, ब्रिटिश राज में इस्तेमाल की जाने वाली रोजमर्रा की चीज़ें और भी बहुत सी यूनिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये एक और सेक्शन है यहाँ का, यहाँ पर पूरी फोटो गैलरी बनी हुई है, 200 साल पुरानी लगभग यहाँ पर पेंटिंग्स हैं जिसे प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया है। कि जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअल पेंटिंग की पिक्चर्स हैं जिन्हें यहाँ पर दोबारा से पिक्चर्स क्लिक करके लगाया गया है, ओरिजिनल पेंटिंग्स ख़राब ना हो जाए इस वजह से उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। अभी जैसा यहाँ के गार्ड साहब ने बताया कि इन पिक्चर्स को वापस से ठीक करके फिर से इसे यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ओरिजिनल पिक्चर्स की एक रिप्लिका है। थॉमस और विलियम डैनियल करके दो पेंटर्स थे जिन्होंने पेंटिंग बनाई है, और उनकी जो बाकी हिस्ट्री है बाहर आप जाकर पढ़ सकते हैं इस फोटो गैलरी के बाहर। नीचे वाले फ्लोर पे आपको ब्रिटिश एरा का ज़्यादा फील मिलेगा, जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और जब आप ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पर आपको जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे उनके बारे में जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो शाम को 7 बजे होता है, जिसका टिकट होता है 100 रुपये का और 45 मिनट्स का पूरा वो शो चलता है, तो उसे भी आप देख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। सो विक्टोरिया मेमोरियल को जितना हो सकता था 1-2 घंटे में मैं देखकर आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मुझे लगता है कि टाइम लेकर ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर देखने और समझने के लिए। कलकत्ता की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ पर रही है तो कलकत्ता में उनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। भारत को जब आज़ादी मिली थी उस समय जो मूवमेंट्स हुए थे, जो सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, उसमें कलकत्ता के लोगों ने या बंगाल के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो वो चाहे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हों या आम लोग जो भी उस समय थे भारत को आज़ादी दिलाने में, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगी। फिलहाल अभी हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और अभी टाइम हो रहा है 3:15, तो धूप अब थोड़ी सी कम हुई है, वरना 1-2 घंटे पहले तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिलहाल अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और मैं आपको बाहर ज्वाइन करता हूँ, स्टे ट्यून। तो अभी मैं आ गया हूँ बाबू घाट के पास, सामने आप देख रहे हो ये हुबली नदी है, और यहाँ से ये एक फेरी चलती है जो हावड़ा की तरफ जाती है, हावड़ा ब्रिज की तरफ जाती है। वैसे तो ये फेरी लोकल लोगों के आने जाने के लिए है बाबू घाट से हावड़ा की तरफ, लेकिन मैं जा रहा हूँ सिर्फ हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए, क्योंकि बोट पर बैठकर
हावड़ा ब्रिज का नज़ारा कुछ अलग ही आएगा। मैंने भी लोकल लोगों से बात की तो जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो भी बता रहे थे कि सबसे बेस्ट तरीका हावड़ा ब्रिज को देखने का कि 10 रुपये का एक टिकट लीजिए फेरी का और ये बाबू घाट है, यहाँ से आप फेरी में बैठिए और हावड़ा तक जाइए, फिर वहाँ से वापस से 10 रुपये का टिकट लेके इस तरफ आ जाइए। सामने टिकट काउंटर है उस तरफ, 10 रुपये का टिकट मैंने ले लिया। चलते हैं हावड़ा ब्रिज के कुछ अच्छे से विजुअल्स कैप्चर करके आते हैं। वो दिख रहा है हावड़ा ब्रिज, काफ़ी दूर है अभी यहाँ से, वो आगे फेरी। तो अभी हम लोग फेरी के बिल्कुल आगे वाले पोर्शन पे आ गए हैं थोड़ा सा जद्दोजहद करते हुए, और अब यहाँ पे एकदम फ्रंट पे आ गए, यहाँ से बहुत ही अच्छा शॉट मिल रहा है हमें हावड़ा ब्रिज का, और शाम भी हो गई तो साथ के साथ सनसेट भी हो रहा है तो उसका भी बहुत अच्छा नज़ारा है यार। फिलहाल आप लोग शॉट्स को इन्जॉय करो। बाबू घाट से जब हावड़ा की तरफ निकल कर आते हैं हम लोग फेरी से, तो दूसरी तरफ सामने ही आपको हावड़ा स्टेशन भी देखने के लिए मिलता है, ये मुझे नहीं पता था। तो अभी हम आ गए हैं हावड़ा स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने और इस तरफ है ब्रिज। तो अभी शाम के 6:30 हो गए और डे लाइट थोड़ी बची हुई है। हावड़ा ब्रिज का जो एग्जैक्ट व्यू थोड़ा और आगे जाके मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अभी मैं वापस चलता हूँ बाबू घाट की तरफ जहाँ हमारे ड्राइवर भाई साहब वेट कर रहे हैं, वहाँ से जो भी जगह आसपास की जगह देखेंगे और फिर हम गाड़ी लेकर हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करते हुए आएंगे तो और अच्छे शॉट्स मिलेंगे या और थोड़ा मज़ा आएगा, गाड़ी में बैठकर अच्छे से हावड़ा ब्रिज को ज़रा फील करेंगे। चलो भाई आगे वापस, 5 मिनट लगता है खाली इधर से उधर जाने में। तो अभी वापस मैं आ गया हूँ कैब में, अब यहाँ से हम वापस से जा रहे हैं हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए, क्योंकि उधर से बहुत दूर भी था और पैदल चल के जाना मतलब ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था। और इसके बारे में इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 1943 के समय इस्टेब्लिश हुआ था, अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था आज़ादी से पहले, और उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया 1965 में, रविंद्र सेतु नाम रख दिया गया इसका, मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनके नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा गया। लेकिन फिलहाल अभी भी आप अगर आएंगे तो हावड़ा ब्रिज के नाम से ही ये ब्रिज फेमस है। क्या शॉट आ रहा है भाई, अच्छा शाम को ज़्यादा अच्छा दिखता है ये, क्योंकि लाइट्स वगैरह भी जल जाती हैं तो नज़ारे और अच्छे हो जाते हैं। तो अभी 7:05 बाकी हैं और हम आ गए हैं हरीश मुखर्जी रोड पे, यहाँ पर है बलवंत सिंह का ढाबा, ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है भाई, जो बता दूँ साफ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है यहाँ पर, वेजिटेरियन फूड खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है ना। जगन्नाथ जी ने हमें सजेस्ट किया है जगह, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, तो चलिए खाना वाना खाते हैं फिर। क्या है ये? मलाई टिक्का रोल आ गया भाई अपना, बलवंत सिंह के ढाबे में हमने मंगाया मलाई टिक्का रोल, और दूसरी चीज़ मंगाई है बलवंत सिंह ढाबे का स्पेशल कुलचा। वाओ, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ। तो एक पीस खाओ और इसका टेस्ट आपको बताओ। मामा मिया, बहुत अच्छा। लाजवाब, पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, फ्रेश है, वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से कुक हुई हैं, बाकी क्या ही बताऊँ, मस्ट ट्राई। अगर कोलकाता आते हैं तो बलवंत सिंह के ढाबे में ज़रूर आइए और यहाँ के रोल और यहाँ के कुलचे ट्राई कीजिए। हालांकि कुलचा भी आ रहा है, कुलचा आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बताएंगे, छोटा मोटा रिव्यू देंगे, हालाँकि मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ एक्चुअली टेस्टी लगती है ना अपने आप रिएक्शन आ ही जाते हैं चेहरे पर। तो भाई ये आ गया है अपना बलवंत सिंह का स्पेशल कुलचा, साथ में एक चटनी आई है और छोले आए हुए हैं, कॉर्न चीज़ भुजिया बटर पनीर वगैरह सब कुछ है इसमें, फुली लोडेड है ये। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ये जो इनका कुलचे वाला सेगमेंट है ना, ये एक्चुअली अमृतसर वाला ही है, तरह तरह के कुलचे यहाँ पर मिलते हैं, पनीर कुलचा, चीज़ कुलचा, कॉर्न वाला कुलचा, आलू का कुलचा, ये इनका स्पेशल वाला था तो मैंने ट्राई किया बलवंत सिंह का स्पेशल कुलचा, तो उसमें सब कुछ उन्होंने डाल रखा है, फुली लोडेड कर दिया इसको।
तो मैं अपना कुलचा और ये जो रोल मंगाए से फिनिश कर लेता हूँ और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं और क्या क्या दिखा सकता हूँ आपको आज के दिन में कोलकाता में। तो अभी कुलचे और रोल खाकर मैं आ गया हूँ बलराम मलिक स्वीट शॉप में। ये कलकत्ता की एक बहुत ही फेमस शॉप है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की मिठाइयाँ ज़रूर टेस्ट कीजिए। और वैसे भी अगर कोलकाता आ रहे हो तो यार मिठाई खाए बिना जाना तो बनता नहीं है। तो यहाँ की जो फेमस मिठाई है, सबसे पहले तो सौंदेश जिसे बोलते हैं, तो उसे हम टेस्ट करेंगे। तो मिठाई लगी कौन सा है वो जल संदेश जल भरा चाशनी होता है उसमें, इसके अंदर लिक्विड गुड़ है। लिक्विड गुड़ है, ये है जल भरा सौंदेश। बेक्ड रसगुल्ला ओके, ये सौंदेश के अंदर चाशनी भरी हुई है। मीठे के साथ यही प्रॉब्लम है, मीठा अगर मेरे सामने आ जाता तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, इसीलिए या तो मीठे के सामने आओ मत और आ जाओ तो फिर छोड़ो मत। ये चॉकलेट है क्या ये? वो बेक्ड रसगुल्ला। बेक्ड रसगुल्ला ऊपर गुड़ है इसमें, गुड़ का रसगुल्ला है और ऊपर मलाई डाली गई है। मैंगो का ही बना संदेश पूरा मैंगो। हाँ तो वो दो ना मैंगो वाला, एक मैंगो वाला सौंदेश है, ये देखने में भी मैंगो की तरह दिख रहा है। अच्छा सौंदेश अगर लेकर जाते हैं बाहर कितने दिन मतलब उसको प्रिजर्व रख सकते हो? फ्रिज के बाद 4 दिन रख सकते हैं। 4 दिन तक सही रहता है। पर ये मिठाई ऐसी है मतलब मस्ट ट्राई, अगर आप कोलकाता आते हो तो सौंदेश तो ट्राई करना चाहिए। ये इन्होंने रेकमेंड किया हमको कि ये आप ट्राई जरूर कीजिए। क्या नाम बताया इसका? डाब संदेश। डाब संदेश, डाब संदेश जेली की तरह लग रहा है। इसमें कोकोनट और मलाई डाली गई है, शुगर थोड़ी कम है मतलब मीठा थोड़ा कम है, थोड़ा सा जेली वाले फॉर्म में है। तो अभी मैं यहाँ पर सर से बात कर रहा था जो काउंटर पे बैठे हैं, बता रहे हैं कि इनका ये खुद का प्रोडक्शन है और यहाँ पर 13 आउटलेट हैं आपके, 14 आउटलेट हैं पूरे कोलकाता में। बट मिठाइयाँ बहुत फ्रेश हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, शुगर क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, तो मज़ा आ गया। मस्ट ट्राई अगर आप कोलकाता आते हैं, कोलकाता में तो सबको पता ही होगा लेकिन अगर आप बाहर से आते हैं कोलकाता तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आओ और यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं उसे टेस्ट करो। उसमें से सौंदेश जो मुझे वैसे भी ट्राई करना था कोलकाता आके, बहुत सारे ऑप्शन हैं सौंदेश के। अभी तो फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर 2 दिन कोलकाता में, तो जब जाऊँगा मैं यहाँ से तो पक्का कुछ ना कुछ लेकर जाऊँगा, क्योंकि 4 से 5 दिन तक मिठाइयाँ अच्छे से मतलब प्रिजर्व रख सकते हैं आप, उसको अच्छे से सेव करके ले जा सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, पास में बिरला मंदिर भी है उसे भी देखना है और उसके बाद फिर बताते हैं क्या करना है आगे। थैंक यू जी। थैंक यू। तो अभी मैं आ गया हूँ बिरला मंदिर के पास, जो आप पीछे देख रहे हो मेरे, बिरला मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं। भी मैं पूछ कर आया मेन गेट पे तो उन्होंने बोला आप अंदर दर्शन करके आइए, कैमरा नहीं ले जा सकते। तो मैं दर्शन करके आता हूँ क्योंकि मंदिर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, तो अंदर तो जाना ही है, लेकिन विजुअल्स मैं आपको बाहर से ही कुछ दिखा देता हूँ। अगर आप आते हैं तो इस मंदिर को भी विज़िट कर सकते हैं। जो मिठाई की शॉप थी जहाँ पर अभी हम स्वीट शॉप में थे, तो वहाँ से हार्डली 500-700 मीटर पर ये मंदिर आता है। तो पहले दर्शन करके आता हूँ मैं और उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। सभी रात के 8:45 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट दिन ख़त्म हो गया हमारा कोलकाता में। बहुत सारी और भी जगह हैं जिन्हें हम आने वाले टाइम में दोबारा जब विज़िट करेंगे कोलकाता में तो ज़रूर आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग में, लेकिन आज का दिन ओवरऑल मुझे तो लगता है बहुत अच्छा रहा मेरा, काफ़ी कुछ देख लिया मैंने एक दिन के अंदर कोलकाता में। अब मैं बता देता हूँ मैं यहाँ पर आया क्यों था। बेसिकली मैंने आपको सुबह बताया भी था कि कोलकाता में आया हूँ किसी रीज़न से, ब्लॉग के सिलसिले में एक और ब्लॉग है जो मुझे शूट करना है। तो ऐसा है कि यहाँ से सुंदरबन जाने का प्लान है हमारा, जो कि कोलकाता के बहुत पास में ही आता है और वेस्ट बंगाल की एक ऐसी जगह है जो जानी जाती है वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए, और वहाँ पर नेशनल पार्क भी है, जंगल सफारी भी होती है। अगला जो ब्लॉग आप देखेंगे वो सुंदरबन का ही होगा, तो उस वजह से मैं यहाँ पर आया और कोलकाता में एक दिन रुका था, तो मुझे लगा कि एक दिन ब्लॉग तो बनाना ही चाहिए अगर यहाँ पर आया हूँ, तो एक दिन में जितना पॉसिबल हो सकता था वो मैंने दिखाने की कोशिश करी आपको। और अगर ये वाला वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन को दबा कर दो। सो इनो फॉर द डे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।